नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जा रहा हूँ नारकंडा के सर्किट हाउस में। दोस्तों ये सर्किट हाउस आपको थानादार रोड होते हुए एक अलग से रोड दिखेगी, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा और ये PWD पावर वर्क डिपार्टमेंट के अंडर है जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। दोस्तों जो ये सर्किट हाउस है वो स्टे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको यहाँ की बिल्डिंग दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये है नारकंडा का सर्किट हाउस। तो यहाँ पे आप रूम्स की बुकिंग करवा सकते हैं, VIP रूम भी है और नॉर्मल प्राइवेट रूम भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो सर्किट हाउस की लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, आप देख सकते हैं आसपास यहाँ पे कोई घर वगैरह कुछ नहीं है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे रूम देख सकते हैं, ये एक VIP रूम है और काफ़ी सुंदर है। दोस्तों आप सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग से लेकर के फर्नीचर, ये जो सोफाज है, उसके बाद टेबल्स है, चेयर्स है और जो नीचे कारपेट है, कर्टन्स है, ओवरऑल दोस्तों बहुत ही सुंदर ये रूम है। और आप ये बेडरूम भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल पब्लिक के साथ साथ VIP भी स्टे करते हैं, तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स वगैरह है, ऑफिसर्स वगैरह है, वो भी स्टे करने आते हैं। और ये रहा वॉशरूम, तो काफी सुंदर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चार्जेस आपको यहाँ के बताता हूँ। जो लोग हिमाचल प्रदेश से हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे स्टे करने का 700 रुपीज चार्ज रहता है, और जो लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर के हैं उनके लिए 1100 रुपीज के चार्जेस यहाँ पे रहते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों प्राइस रेंज रहती है। इसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और हिमाचल से ही है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सस्ते में रूम मिल जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे जनरल पब्लिक के रूम्स भी है जिनके मैंने आपको चार्जेस बताए, तो आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं, अच्छे रूम है। और बुकिंग जो है वो आप DC ऑफिस शिमला से ही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर में और यहाँ पे भी कुछ रूम्स वगैरह है। तो दोस्तों ये रहा बाहर का एरिया। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने 5 मार्च को रिकॉर्ड किया था और दोस्तों अभी मई चल रहा है, तो अभी यहाँ पे आपको कोई बर्फ देखने को नहीं मिलने वाली। इसके अलावा दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जो पर्वतीय श्रृंखलाएं यहाँ पे है वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ से नजर आ रही है, और दोस्तों इस जगह की लोकेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ नारकंडा के हाटू होटल में। तो ये भी दोस्तों गवर्नमेंट के ही अंडर है और यहाँ पे भी आपको अच्छी रूम फैसिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों होटल की जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खास चीज़ देखी, जो दोनों जो ये गवर्नमेंट होटल है तो इनमें एक चीज़ खास है दोस्तों, ये बहुत शांत जगह में बने हुए हैं। आप नारकंडा में और होटल्स देखेंगे तो वो बिल्कुल बाजार के साथ में, तो काफ़ी शोर वगैरह वहाँ पे, तो ये बिल्कुल दोस्तों हटके एक सीरीन प्लेस में बनाए गए, तो ये बात दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगी है। और लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा है, आपको दूर का भी अच्छा कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों नारकंडा जब आप आते हैं तो स्टे करने के लिए आप इन होटल्स को अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए TNT रिलीश।